यह तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का। वहीं बता दूं कि वाड्रफनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शाला फुली डुमर का यह पूरा तस्वीरें हैं, जहां सुलभ शौचालय में कचड़े की ढेर में पड़े सुलभ शौचालय में यहां के प्रधान पाठिका ने छोटे छोटे बच्चों को सुलभ के लिए भेजते हैं। ऐसे में सवालिया निशान खड़ा यह कर देता है कि आखिर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी यह सुलभ शौचालय कभी साफ नहीं होता, और यहाँ के जो प्रधान पाठिका हैं लगातार बच्चों को सुलभ के लिए इसी गंदगी में भेजने पर मजबूर करती हैं। लगातार इस तरीके से खबरें हमने प्रकाशित करते रहते हैं, लेकिन आला अधिकारियों की किसी भी प्रकार की कुछ कार्यवाही नहीं करने के वजह से इनकी मनोबल इतनी बढ़ गई है कि लगातार मीडिया से भी बातचीत करने के लिए यह प्रधान पाठिका लगातार भागते नजर आई हैं। क्या कुछ बच्चे ने कह रही हैं, जरा सुनिए आप भी इस रिपोर्ट में। क्या नाम है बेटा आपका? कौन से क्लास से पढ़ती हैं? अच्छा, पांचवी। बेटा अभी आप लोग सुलभ के लिए कहाँ जाते हैं? शौचालय। कितना गंदा रहता है? बहुत ज्यादा गंदा। तो उसी गंदगी में आप लोग जाते हैं? वहाँ पानी उनी की व्यवस्था है क्या? नहीं, नल से। नल से लाते हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है नहीं। और पूरा सुलभ में पूरा कचरा भरा हुआ है, तो उसी कचरे में सुलभ के लिए जाते हैं आप लोग? जी। साफ उफ नहीं होता है? नहीं। और कौन से क्लास पढ़ती है? पांचवी। आप पहली से पांचवी तक यही पढ़ी है बेटा? जी। और लगातार 5 साल तक उसी सुलभ शौचालय में यूज किए हैं? और प्रधान पाठक का क्या नाम है बेटा, जो हेडमास्टर हैं, क्या नाम है? नाम पता है? नहीं, नहीं पता है। आप 5 साल लगातार पढ़ी हैं, आपको अपनी हेडमास्टर का नाम नहीं पता है? जगते सर, थोड़ा लड़ाकू भेजिए ना।